कई लोग सवाल करते हैं कि 2017 का आईपीएल फाइनल फिक्स किया गया, लेकिन कैसे? इसके मुताबिक कई ऐसे वजूहत हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं और आप ये सोचते हुए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में उस वक्त का ये फाइनल मैच फिक्स किया गया। 21 मई 2017 क्रिकेट इंसाइडर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट ने सुबह के 3 बजे एक ट्वीट किया। पहला ट्वीट आता है 3:38, इस पर लिखा था, चाहे कोई भी टीम जीते या हारे, लेकिन आरपीएस अगर टॉस जीतती है तो वो बॉलिंग करेगा। फिर दूसरा ट्वीट 4 मिनट के बाद कि राहुल त्रिपाठी 10 रन पर आउट हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। उस फाइनल मैच में राहुल त्रिपाठी 10 रन भी नहीं बना सके। खैर, ऐसे ही करते करते 8 से 10 ट्वीट उस वक्त कर दिए। अगर आप उस वक्त का स्कोर देखेंगे तो आपको वो तमाम ट्वीट्स याद आ जाएंगे जो कि उस मैच से कबल किए गए थे, जिसमें हर एक बात सच साबित हुई। वो मैच मुंबई इंडियंस सिर्फ 1 रन से जीत गया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी चीजें आखिर ठीक कैसे हो? अगर फिक्स नहीं था तो क्रिकेट इनसाइडर कौन सी मंतक लगा के वो सारे ट्वीट कर रहा था, जिसके बेसिस के ऊपर ये बात सामने आ रही थी कि उस मैच में क्या होने वाला है, जबकि वो सारे ट्वीट उस मैच से 14 घंटे पहले किए गए थे। हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातों का इल्म हो और मेरी इस वीडियो की वजह से वो सारी बातें आपको रिकॉल कर गए होंगे, लेकिन 2024 का आईपीएल जो होने वाला है, जो कि स्टार्ट हो चुका है इनफैक्ट, उसके बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी टीम फाइनल जीतने वाली है। मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भले सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।